स्टूडेंट्स एनसी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर अब कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टोरी को माइंड में सेट करना ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी मशीन कब परचेज़ की जा रही है, किस डेट को सोल्ड की जा रही है, कितनी मशीनें परचेज़ की जा रही है, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। ये सब चीज़ें आपकी पहले क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। ऑन 1 जुलाई 2015 ए कंपनी लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। मतलब कि 1 जुलाई 2015 को ए कंपनी लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड मशीन को परचेज़ किया जिसकी वैल्यू कितनी थी, 23,000 थी। ठीक है, मतलब 20,000 उस पर उसने स्पेंड किए और 3,000 उसने एक्स्ट्रा खर्चे किए। तो मैंने आपको बताया है वो उसी के अंदर कॉस्ट में प्लस कर दिए जाते हैं जो उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस होते हैं। तो मशीन कितने की परचेज़ की, ओवरऑल 23,000 की परचेज़ की गई। ऑन 1 जनवरी 2016 द फर्म परचेजेज न्यू मशीनरी वर्थ ₹12,000। अब उसने नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2016 के अंदर एक मशीन और परचेज़ कर ली, एक मशीन और परचेज़ कर ली। उसके बाद ऑन 30 जून 2017 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 वॉज सोल्ड फॉर 8,000। मतलब कि जो सेकंड मशीन उसने परचेज़ की थी उसको उसने 30 जून 2017 में बेच दिया। एंड ऑन 1 जुलाई 2017 ए फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड और 1 जुलाई 2017 को एक नया प्लांट इंस्टॉल किया गया। ठीक है, अब वो जो नया प्लांट इंस्टॉल किया था उसकी पेमेंट कैसे कैसे की गई, 5,000 की 1 जुलाई को की गई, 30,000 की 30 जून को की गई, 6,000 की और 5,500 की कब की गई, 30 जून 2019 को की गई। ठीक है, और 2018-19 की जो पेमेंट की गई थी वो 1,500 रुपये मिलाकर की गई थी। तो देखिए, तो जो लास्ट वाला है उसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, जो मशीनरी की वैल्यू है वो सारी प्लस करके दिखाएंगे। वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपको प्लस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारे। तो देखिए, सबसे पहले ईयर, पहला ईयर कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहली जो मशीन खरीदी वो 2015 जुलाई 1 को खरीदी गई। कितने की खरीदी गई, 23,000 की परचेज़ की गई। इसके बाद 2016 जनवरी 1 को एक मशीन और परचेज़ की गई, 12,000 रुपये की। अब देखो, 2016 भी इसी के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है हमारा जो ईयर शुरू होता है वो कब शुरू होता है, अप्रैल 1 को होता है और मार्च 31 को क्लोज होता है। तो इस ईयर की शुरुआत कब हुई, हमारी 2015 अप्रैल 1 को हुई और फिनिश कब होगा, 2016 मार्च 31। तो जो January 1, 2016 है वो इसी ईयर के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि सेकंड मशीन भी इसी साल के दौरान क्या की गई है, खरीदी गई है। ठीक है, तो देखिए, दो मशीनें परचेज़ की हैं। अब हमें दोनों मशीनों पर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। पहली मशीन कब परचेज़ की गई, जुलाई 1 को परचेज़ की गई और डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, मार्च 31 को। तो कितने मंथ्स का लगेगा, 9 मंथ्स का लगेगा। तो 23,000 का 9 मंथ्स का कितने परसेंट, 10% हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने परसेंट लगाना है, 10% लगाना है। तो 10% 9 मंथ्स का आ जाएगा 1725। और 12,000 का 10% कितने महीनों का लगेगा, January 1 को खरीदी गई थी, March 31 को हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो ओनली 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, 300। और हमारी जो टोटल वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन की वो आ गई 2025।
इसके बाद हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस सी डी 23,000 में से 1,725 लेस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 21,275, और 12,000 में से 300 लेस आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 11,700। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट ईयर पूरा हो गया है। अब हम सेकंड ईयर में चलते हैं। सेकंड ईयर में बैलेंस बीडी ट्रांसफ़र किया बैलेंस को, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखिए इस साल हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो फुल लगेगा, फुल का मतलब कि पूरे साल का लगेगा, क्योंकि ये मशीनें पूरे साल तक हमारे पास थी। तो इस पर 2300, इस पर 1200, 3500 डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस सीडी, तो 18,975, 10,500 ये हमारा बैलेंस सीडी आ गया है, और जो टोटल है बैलेंस सीडी का वो कितना है, 29,475। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आ गया वो ये आ गया। इसके बाद इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए 2017 जून 30, 30 जून 2017 को कौन सी मशीन बेच दी गई, ये वाली मशीन बेच दी गई, सेकंड मशीन, जो कि कितने रुपीस की थी, 10,500 की थी। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्ड कर देंगे। कितने सॉल्ड करेंगे, देखिए इसको सॉल्ड किया गया 8,000 पर। ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन इस पर कितने महीनों का लगेगा, अप्रैल से लेके 30 जून तक का, तो कितना लगा, 300। और कोई चीज़ 10,500 की थी और 8,300 उसकी वैल्यू लेस कर दी तो कितने का लॉस हो गया, 2,200 का लॉस हो गया। तो इस तरीके से जो सेकंड मशीन थी उसको 8,000 में बेच दिया, 300 डेप्रिसिएशन लग गया और लॉस आ गया 2,200। तो इस तरीके से ये सेकंड मशीन की स्टोरी, इसकी कहानी यहीं फिनिश होती है। अब हमारे पास फर्स्ट मशीन रह जाती है और हम एक मशीन और परचेज़ कर रहे हैं, हम एक मशीन और परचेज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू है 5,000, तो हम यहाँ पेड कर रहे हैं 1 जुलाई को। उसके बाद हम कुछ महीनों मतलब अगले साल फिर पे कर रहे हैं कुछ पैसे उसके, अगले साल 3 किस्तों में पे किए जा रहे हैं। लेकिन हमें जो ओरिजिनल कॉस्ट पे मशीन को दिखाना होता है, जिस डेट को मशीन परचेज़ की जाती है, तो हमें 1 जुलाई को इसके सारे पैसे दिखाने हैं। तो एक तो 5,000, अब देखिए 30 जून 2018 को जो पेमेंट की उसमें 1,000 रुपये किसके थे, इंटरेस्ट के थे, तो कितने हो गए, मशीन के रुपए थे इसमें 5,000, 1,000 हमने डिले से पेमेंट की इसलिए इंटरेस्ट के थे, और लास्ट वाले में 5,000 तो इसमें किसके थे, मशीन के थे, और 500 इंटरेस्ट के थे क्योंकि हमने पेमेंट लेट की थी। तो हमारी जो मशीन की वैल्यू है 5,000 ये 5,000 ये 5,000 ये, मतलब कि 15,000 की हमारी टोटल मशीन थी। तो देखिए जुलाई 1 को बैंक हमने पेमेंट कितनी कर दी, 5,000, और 10,000 के हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं, मतलब हमें पे करना है 2018 और 19 में हम पे करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन हमारी कौन कौन सी मशीन पर लगेगा, एक तो हमारा लगेगा फर्स्ट वाली मशीन पर और एक लगेगा इस थर्ड वाली मशीन पर। तो फर्स्ट वाली मशीन पे तो 2300 लगाते आ रहे हैं, थर्ड वाली मशीन कितने की है, 15,000 की है, जिसका 10% लगेगा, कितने महीनों का लगेगा, 10% लगेगा। अब देखो कब खरीदी गई, जुलाई, और डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, मार्च 31, इसका मतलब कि कितने महीनों का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 9 मंथ्स का लगेगा, तो हम लगा देंगे डेप्रिसिएशन। ये गलती से यहाँ 8 मंथ लिखा हुआ है, लेकिन 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बैलेंस सीडी निकाल देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वर्किंग नोट भी देख लीजिए, तीनों मशीनों का डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है और यहाँ पर ये हमें लॉस ऑन सेल निकाला है, जो मशीन हमें बेची है उसका। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली। सबसे पहले, ऑन 1 जुलाई 2016 सोहनलाल एंड सन्स परचेज्ड ए प्लांट कॉस्टिंग 60,000। 1 जुलाई को सोहनलाल एंड सन्स ने एक प्लांट परचेज किया है 60,000 रुपीज़ का। एडिशनल प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर 40,000। इन्होंने एक और प्लांट परचेज कर लिया 1 जनवरी 2017 को। उसके बाद 1 अक्टूबर 2017 इन्होंने एक प्लांट और परचेज कर लिया 20,000 का, मतलब कि 3 प्लांट्स परचेज हो गए। लेकिन जो थर्ड प्लांट परचेज किया गया है वो किया गया है 20,000 रुपीज़ का। कितने का किया गया है? 20,000 रुपीज़ का। लेकिन उस पर CGST और SGST भी पेड किया गया है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन इसका प्लांट अकाउंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेप्रिशिएशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जर्नल एंट्री करते टाइम हम इसको शो करते हैं, बाकी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016, मतलब कि पहले दिन टाइम जो सबसे पहले 60,000 रुपये का प्लांट खरीदा था उसको 1 अप्रैल 2018 को कितने में बेच दिया गया? उसका 1/3 पार्ट बेच दिया गया कितने में? 6,000 में। और उसमें GST और SGST हमें कितना मिला? CGST और SGST 6% मिल गया। तो इतना सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्लांट परचेज किया गया July 1 को 60,000 का। उसके बाद दूसरा परचेज किया गया January 1 को 40,000 का। दोनों पर डेप्रिशिएशन लगाएंगे कितना कितना परसेंट? 10% 10%। आपको पता है 10% 10% लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि डेप्रिशिएशन की रेट 10% है। लेकिन ये जुलाई में ख़रीदा था, March 31 को लगा रहे हैं, तो कितने महीनों का डेप्रिशिएशन लगेगा? 9 months का लगेगा। ये हमने कब खरीदी? जैन में खरीदी, March 31 में डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं, तो कितने महीनों का लगेगा? सर 3 months का लगेगा। तो दोनों पर 9 months और 3 months का लगाया, और हमने क्या निकाल दिया? बैलेंस CD निकाल दिया। तो हमारे पास जो बैलेंस बच गए वो कितने बच गए? 55,500 और 39,000, जिसको हमने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद इसी साल 2017 अक्टूबर 1 को हमने एक प्लांट और ख़रीद लिया 20,000 का, लेकिन उस पर हमने IGST और CGST भी पेड किया था, वो प्लांट अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न हम इस क्वेश्चन के लास्ट में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमें तीन प्लांट पर क्या लगाना है? डेप्रिशिएशन लगाना है। सबसे पहले प्लांट 60,000 का था इसलिए 6,000, दूसरा प्लांट 40,000 का था इसलिए 4,000, और तीसरा प्लांट 20,000 का था जिसका 10% 2,000 बनता है, लेकिन अक्टूबर 1 में ख़रीदा गया था इसलिए 6 month का 1,000 ही लगाएंगे। टोटल डेप्रिशिएशन आ गया 11,000। अब हम बैलेंस CD फाइंड करेंगे तीनों सालों का। उसके बाद देखिए, इस बैलेंस CD को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो हमने ये प्लांट ख़रीदा था 60,000 वाला, उसको कितने में बेचा गया? उसको बेच दिया इसका 1/3 पार्ट, मतलब कि सिर्फ तीसरा हिस्सा जो इसका था वो बेचा गया बैंक, मतलब कि कितने में? 6,000 में बेचा गया। तो सबसे पहले तो हमें इसमें प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए इसका तीसरा हिस्सा निकालना पड़ेगा कि इसका तीसरा हिस्सा कितना बनता है। तो देखिए, इसका तीसरा हिस्सा कितना बनता है, वर्किंग नोट में देखिए, 49,500 टोटल था जो बुक वैल्यू थी, और तीसरा हिस्सा कितना बनेगा? 16,500। बेचा कितने में गया? 6,000 में। तो लॉस कितना आ गया? 10,500 का। ये जो प्लांट है वो कितने का था? 49,500 का, और कितने में बेचा गया? 6,000 में, और लॉस कितना आ गया? 10,500। अब आप कहोगे कि सर, अब डेप्रिसिएशन कितने प्लांट पर लगेगा? आप कहोगे सर 2 पे लगेगा। नहीं बेटा, 2 पे नहीं लगेगा, 3 पे लगेगा, क्योंकि इसका सिर्फ 1/3 पार्ट सेल किया गया है, 2/3 पार्ट अभी भी बिजनेस में एग्जिस्ट है, ठीक है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा?
पहले इस पे लगाएंगे। तो देखो ये कितने की थी, 60,000 की थी, उसमें से 1/3 मतलब 20,000 की बेच दी गई, तो पीछे कितने की बच गई, 40,000 की बच गई। 40,000 पर 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे 4,000। दूसरी जो प्लांट था वो 40,000 का ही था, उस पर भी 40,000। तीसरा जो प्लांट था वो 20,000 का था, उस पर 2,000। और लास्ट में हमारे पास बैलेंस सीडी आ गया 29,000, 31,000 और 17,000। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एक बार वीडियो देखने के बाद खुद अपनी रफ नोटबुक में भी दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी तुम्हें ये अच्छे से समझ आएगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा। इसके बाद देखिए इसका हम देख लेते हैं वर्किंग नोट, और एक आपको रीज़न भी बताना है कि GST प्लांट अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो देखिए, जब हमने मशीनरी को परचेज किया हमने क्या एंट्री की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST। यहाँ पर प्लांट आएगा बेटा, मशीनरी की जगह प्लांट आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आप प्लांट को मशीनरी भी बोल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लांट वर्ड आया है तो आप इसमें प्लांट ही लिखोगे, मशीनरी को काट कर क्या लिखोगे, प्लांट ही लिखोगे। प्लांट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, 1,200, 1,200, 22,400। अब देखो आपने लेज़र बनाना सीख लिया है, तो मुझे ये बताओ हम किसकी लेज़र बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट या प्लांट अकाउंट की बना रहे हैं, तो वो कितने से डेबिट हुआ है, 20,000 से हुआ है। तो उसमें एंट्री कितनी जाएगी, सिर्फ 20,000 की जाएगी। इन दोनों के अलग से अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट या प्लांट अकाउंट में ये नहीं जाएगा। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमें CGST SGST मिलेगा, लेकिन वो प्लांट अकाउंट में या मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आपको वर्किंग नोट बनाना आ ही गया है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है। एनीवेज फिर भी अगर आपको किसी तरह का भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कॉल कर भी पूछ सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं याद से, लेकिन फेयर नोटबुक में करने से पहले एक बार वीडियो देखने के बाद सबसे पहले इसे रफ नोटबुक में करेंगे विदाउट हेल्पिंग ऑफ वीडियो। मतलब आपको वीडियो की हेल्प नहीं लेनी है, सिर्फ एक बार देखकर फिर अपने आप करना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को पॉज कर रहे हो और बिल्कुल डिट्टो अपनी कॉपी के अंदर सेम उतार रहे हो, ऐसा नहीं करना। आप खुद रफ नोटबुक में करके इसे अपनी समझ से फिर आप फेयर नोटबुक में इसे करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो गुड बाय।